हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वाई एंड हाउ ऑफिशियल में। दोस्तों, आपने कभी लॉज या होटल में रुके हैं तो आपने देखा होगा कि वहां के बेडरूम के चादर हमेशा व्हाइट ही होते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि वहां के चादर व्हाइट ही क्यों होते हैं? आप नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, आज आपको वाई एंड हाउ ऑफिशियल इस बारे में जरूर बताएगा। दोस्तों, कहा जाता है कि जो सफेद कलर होता है वह मन और दिमाग की शांति का प्रतीक माना जाता है और अक्सर लोग छुट्टियां मनाने अपने दिमाग और मन की शांति के लिए ही जाते हैं। इसीलिए होटल के कमरे में सफेद चादर बिछाए जाते हैं जिससे आप अपनी छुट्टियां अच्छे से बिता सके। सबसे खास वजह होटल में सफेद रंग के चादर बिछाने की ये है कि उसे लग्जरी लुक आता है। साल 1990 में एक रिसर्च के अनुसार यह पाया गया था कि सफेद रंग से लग्जरी लुक आता है। तब से ही होटल में सफेद चादर का ट्रेंड चल रहा है और अब तक भी चल रहा है। और माना जाता है कि होटल के कमरे में सफेद चादर बिछाने से उसमें लगे दाग आसानी से पहचाने जा सकते हैं। अक्सर लोगों का मानना होता है कि सफेद कपड़े धोने में मुश्किल होती है, लेकिन एक्सपर्ट की माने तो रंगीन कपड़े की तुलना में सफेद कपड़े धोने में आसानी होती है। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना ताकि ये इन्फॉर्मेशन उनको भी मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।